हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सब मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, इस समय समय हो रखा है शाम के पूरे 7 बज रखे हैं एंड दिन भी आज संडे का है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक छोटी सी राइड पर जाया जाए एंड एक सरप्राइज़ देना मैडम को। चलो, सरप्राइज़ मेरे से ना दिया ही नहीं जाता, मैं बोल ही देता हूँ क्या करने वाला हूँ। तो चलो बता देता हूँ, 2-4 कूपन पड़े हैं मेरे पास एंड शायद थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे पठानकोट जा करके एंड साथ में एक मैंने KFC का वो देखा था, क्या ना फ्रेंचाइजी देखी थी रास्ते में जब मैं गया था अपने सुपर्णा देवी, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को वहाँ का सिस्टम। तो सोचा क्यों ना आज मैडम को वहाँ लेके जाएं एंड थोड़ा सा इंजॉय एंड फन करें वहाँ जा करके। तो गाइज, देर न करते हुए निकलते हैं एंड मिलेंगे सीधे KFC। तो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं KFC एंड आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। एंड आप धीमी धीमी म्यूज़िक की आवाज़ भी सुन रहे होंगे एंड ये देखिए राइट साइड ये नेशनल हाईवे जो जम्मू की ओर जा रहा है एंड तो गाइज ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, इस नज़ारे ने तो मेरे को मलेशिया की याद दिला दी जब मैं JS 19 में रहता था ना, 26 फ्लोर पे। खैर ये उतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ सटी हुई बिल्डिंग है, फिर भी काफ़ी हद तक मेरे को वो JS 19 की याद दिला रही है जो मलेशिया में जहाँ पे रहता था मैं। एंड कसम से ऐसे लगता है जैसे एक बार फिर से मैं मलेशिया आ गया हूँ। तो चलो गाइस, अब चलेंगे अंदर एंड थोड़ा सा करेंगे फन एंड फिर चलेंगे पठानकोट। हाँ जी मैडम जी, मज़ा आ गया। तो गाइस सच में यहाँ आके बिल्कुल मज़ा आ गया, पूरा एंजॉय किया हमने यहाँ आकर के। एंड गाइस ये देखिए मेरी राइट साइड ये नेशनल हाईवे जो कि सीधा जम्मू श्रीनगर को जा रहा है एंड चलो आगे चल करके आपको और भी फ्रेंचाइजी दिखाता हूँ जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी है यहाँ पे। एंड ये जो शॉप्स हैं ये अभी फिलअप नहीं हुई है, खाली पड़ी हैं एंड वेट कर रही हैं कोई आए और यहाँ पर कोई फ्रेंचाइजी अरेंज करे, मैनेज करे। तो गाइस ये है निक बेकर्स। सच में यार एक हाईवे पे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया हम पैसेंजर्स को, हम ट्रैवलर्स को, हम राइडर्स को। एंड ये है सामने बर्गर किंग। यस, ये सामने बर्गर किंग बेस्किन बीआर रॉबिन्स।
सच में यार हमने तो बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। और जैसे कि हम लेट चले थे घर से एंड काफ़ी शॉर्टेज भी है टाइम की, तो हम चलेंगे पठानकोट। यहाँ पे हमने शॉपिंग करनी है, शॉपिंग मॉल में जा सकते। तो गाइज निकलेंगे एंड मिलते हैं आपको शॉपिंग मॉल में। मैं महारानी को ढूंढ रहा हूँ एंड ये महारानी जी इधर खड़ी थी। चलिए फिर तो गाइस जब हम पहुंचे तो शोरूम बंद ही होने वाला था एंड फिर थोड़ा रिक्वेस्ट की एंड साहब ने एंटर करने दिया। तो फाइनली अभी तो बस मैम ने चप्पल ही ली है एंड अभी दूसरे शोरूम जाना बाकी है। तो चलो यहाँ से फ्री होके चलते हैं अपने अगले शोरूम जहाँ से अपने डिस्काउंट कूपन की हेल्प मिलेगी हमें। तो ये है रेड टिप का शोरूम एंड ये सरदार जी से मैं पहले भी शूज़ लेके गया हूँ एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला सर का, तो सेकंड टाइम मेरे को आने का मौका मिला। एंड गाइस ये कोई एड पर्पस के लिए नहीं मैंने ऐसे वीडियो बनाई, एक्चुअली सरदार जी से प्यार है तो इसलिए इनके पास आए हैं, तो इसलिए वीडियो बनाई है। इसे कोई एड पर्पस मत समझिए, ये कोई प्रमोशनल नहीं है, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं किसी अपनी कंपनी की। ये बस सरदार जी से प्यार है तो इसलिए यहाँ पे आते हैं एंड इनका आज वीडियो बनाने का मौका मिला तो बनाया। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस शॉपिंग हो रखी है कंप्लीट अपनी एंड इनका भी टाइम हो रखा है बंद करने का, तो बस बिल की पेमेंट करेंगे और चलेंगे वापस। एंड आए भी लेट थे एंड फिर भी देर से दुरुस्त आए, अपना सारा काम हो गया, जो जो लेना था मिल गया। तो गाइस ऑलमोस्ट 6000 में हमें ये सारी शॉपिंग हुई है एंड हमने पे किया सिर्फ 4000 एंड काफ़ी फायदा रहा हमें। हाँ जी मैडम जी खुश हो? मैडम को तो कुछ लेके दिया नहीं मैंने, खुद अपने लिए ले लिया बस, मैडम को चप्पल ले दी और मैडम को भी खुश हूँ मैं। चलो तो गाइज इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड एंड बहुत बहुत थैंक्स सब दोस्तों का कि आप जो हमारा चैनल देखते हो उसे लाइक करते हो एंड उसे स्प्रेड आउट भी करते हो अपने फ्रेंड्स में, तो काफ़ी अपने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो गाइज वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज करेंगे थोड़ा लाइट से डिनर एंड फिर निकलेंगे घर को एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।